इतना शोर, इतना वावेला पाकिस्तान टीम को लेकर। ठीक है, टीम अनाउंस हो गई है, ठीक है, उसमें गुंजाइश है, वो देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। इतना शोर कर रहे हो आप लोग यार, क्या कर रहे हो ऐसे? आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो या उनकी कोई हेल्प आउट कर रहे हो? तो भाई कोई हेल्प आउट का भी मामला सोचो, ऐसे ना करो। सोशल मीडिया पे तो उधम पाकिस्तान टीम को लेकर इतना मचाया आप लोगों ने, मैं तो कभी कभार मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि यार पीसीबी में मोहम्मद वसीम जो सिलेक्टर हैं वो सिलेक्टर हैं या आप लोग सिलेक्टर हो। यार सब अपनी अपनी राय दे रहे हो, ठीक है, आपका हक है, देना चाहिए, लेकिन क्या आप हेल्पिंग हैंड बन रहे हो या कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो? फॉर ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, ठीक है, आपकी भी अपना अपनी से है, एज अ एक्सपेक्टेटर्स हमें करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ख्याल भी करना चाहिए। अब इंडिया में भी इतना सर पे चढ़ा के रखते हैं इंडियन टीम को, इंडियन फैंस और इंडियन क्रिकेट से मुतालिक लोग, तो जब वो कोई रिजल्ट्स हो जाते हैं या जब कोई रिजल्ट आता है तभी तो वो इतना शोर वावेला मचाते हैं। सो तो टेक इट ईजी, कूल एंड काम, जाने दें, होने दें, सपोर्ट करें, अपनी बात जो बेस्ट सजेशन है वो दे सकते हैं, बट वेट फॉर द रिजल्ट्स। हमारी टीम आपको पता है मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम है पाकिस्तान में, वो आप फैसलों से और आप चीज़ों से अंदाज़ा नहीं कर रहे कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हम सो के उठते हैं, अचानक कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, सो टेक इट ईजी, हम ऐसे ही करेंगे। या तो हम हारे हुए मैचों को जीत जाएंगे और उड़ा के रख देंगे, या फिर हम जीते हुए मैच हार जाएंगे, भाई ऐसे ही चलेगा, लेकिन रिजल्ट्स में बात करते हैं। सो कूल एंड काम, टेक इट ईजी।